नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो राजस्थान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, इसको समझने के लिए ये समझिए कि इससे राजस्थान के 33 में से 13 जिले प्रभावित हैं। राजस्थान की 41.3% आबादी प्रभावित है। राजस्थान का 23.67% इलाका प्रभावित है। लगभग 3 करोड़ लोगों की जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। हम बात करें पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना की, जिसे अंग्रेजी में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कहते हैं और वर्तमान में कागजों में काली सिंध पार्वती चंबल इंटरलिंक रिवर्स प्रोजेक्ट कहते हैं। 13 जिले यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ इस प्रोजेक्ट में शामिल है। और इस प्रोजेक्ट का मकसद है मानसून के दौरान कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध, मेज नदी बेसिनों के अधिशेष पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, काली सिंध और गंभीरी नदी के बेसिनों में पहुंचाना, जिसका 50% इस्तेमाल पीने के लिए किया जाना है, 14% इंडस्ट्री के लिए, 6% सिंचाई के लिए। लेकिन राजस्थान से 25 के 25 सांसद देने के बाद भी राजस्थान के सांसद का केंद्र में जल संसाधन मंत्री बनने के बाद भी, DIPR हुए 5 साल बीत जाने के बाद भी, कई बार मुख्यमंत्री और राज्य के जल संसाधन मंत्री के पत्र केंद्र को लिखे जाने के बाद भी केंद्र से इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिला है। जबकि 2018 के चुनाव प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना का जिक्र किया था। तो सवाल यही है कि अब तो सुनिए सरकार, इस बजट में एक ऐसा तोहफा दीजिए जो 3 करोड़ लोगों की जिंदगी को बदल कर रखे। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर सवाल बहुत है। सवाल यह है कि जिस प्रदेश में जनता बूंद बूंद को तरसती है, अगर उस प्रदेश में आधी आबादी को पानी मिल सकता है तो क्यों मंजूरी नहीं मिल रही। सवाल यह भी है कि जब इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है तो काम क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, क्यों इसे नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं दिया जा रहा। क्या इस बजट में राजस्थान की 3 करोड़ जनता ये उम्मीद कर सकती है कि इस परियोजना को केंद्र राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर राजस्थान को इस साल का, नए साल का सबसे बड़ा तोहफा देगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राम नारायण मीणा जी, हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला जी, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी। आशीष जी, पहली एक छोटी सी रिएक्शन आप ही दीजिए सर, क्या सभाओं में उम्मीदों को जगा देना और उसके बाद कागजों में मार देना, क्या ईस्टर्न कैनाल परियोजना के साथ बीजेपी ने यही किया है? देखिए विजेंद्र जी, जहां तक इस परियोजना की बात है, जैसा अभी आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कितनी महत्वपूर्ण ये परियोजना है, राजस्थान के 13 जिलों और 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी को ये प्रभावित करती है। आप देखिए कि ये जो परियोजना है ERCP, इसकी पूरी कल्पना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखी है। 2018 में वसुंधरा राजे जी ने जब अपना बजट पेश किया तो उन्होंने इस योजना का मूर्त रूप देने का काम किया। आप देखिए जहाँ तक वर्तमान सरकार की बात है, वर्तमान सरकार ने इसको लेकर के कोई गंभीरता से ऐसा प्रयास किया नहीं है। आप देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक मेरी जानकारी में है और जहाँ तक आपकी भी जानकारी में होगा, विवाद इसको लेकर के अंशदान को लेकर के है। अगर मूल रूप से अगर हम बात करें, अगर 60% सेंटर करे और 40% स्टेट इसमें अपना अंशदान दे, उसको लेकर के एक व्यापक रूप से सहमति बनी हुई है। लेकिन पता नहीं क्यों स्टेट गवर्नमेंट बार बार इतनी महत्वपूर्ण परियोजना होने के बावजूद भी एक इसको 90% जो है सेंटर गवर्नमेंट असिस्ट करे इसके लिए इसको लटकाने का एक प्रयास कर रही है। आप देखिए, और दूसरा जो इसमें एक विषय आ रहा है जी, इसमें इसको लेकर के एक लोकसभा में प्रश्न भी लगा था। आप देखिए इसमें जहाँ तक पानी की बात कर रहे हैं आप, पार्वती नदी की बात कर रहे हैं आप, काली सिंध की बात कर रहे हैं, तो इसमें पहले जल उपलब्धता को लेकर के राजस्थान की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार में एक सहमति बनना बहुत रूप से आवश्यक है। आप देखिए,
और वो जो है उसके लिए राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से ऐसा कोई चैनल अभी तक स्टार्ट नहीं किया है कि जिसके लेकर के दोनों राज्यों में एक सहमति बने। उसके बाद फिर बात आती है केंद्र सरकार को लेकर के। देखिए भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद इसको लेकर के प्रयास रहते हैं। अगर वर्तमान सरकार सांसद प्रयास कर जाएंगे तो नामुमकिन क्या है, मुझे बताइए ना। जल संसाधन मंत्री है तो नामुमकिन क्या है। स्टेट गवर्नमेंट आपके पास आऊंगा, हमारे साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और जयपुर कलेक्टर रह चुके जगरूप सिंह जी जुड़ चुके हैं। किरोड़ीलाल मीणा जी, मुझे याद है सर, 5 दिसंबर की तारीख थी, 2018 का साल था, प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान आए थे, दौसा के अंदर एक बड़ी सभा की थी, उस दौरान आपको मार्गदर्शक तक बताया था सर। सर इस मामले पर क्यों नहीं मार्गदर्शन हो रहा है, बीते 4 सालों के अंदर मार्गदर्शन कर देंगे तो मंजूरी मिल जाएगी सर। नहीं देखो, नहीं नहीं बिल्कुल, ये एक लाइफ लाइन है ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिलों की जी। ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें अब 60-40 का रेशो है प्रेजेंट जो प्रोजेक्ट है उस हिसाब से। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार राजस्थान की सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रही है। तो केंद्र ने एक पत्र लिखा है जिन्होंने संसद में क्वेश्चन किया था, उसका जवाब मिला था और वैसे भी गजेंद्र सिंह जी से बात हुई थी कि एक फॉर्मेट को कुछ सूचनाएं मांगी है। नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने से पहले कुछ सूचनाएं इनको देनी होती हैं, जो सूचनाएं अभी तक राज्य सरकार ने नहीं दी। दूसरा, चूंकि चंबल में शेयर है राजस्थान का और मध्य प्रदेश का, तो पानी का शेयर होने के कारण मध्य प्रदेश की सहमति जरूरी है। मध्य प्रदेश की सहमति अभी तक केंद्र को राज्य सरकार ने नहीं दी, राजस्थान की ने। जब ये दो फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी तो हम बराबर इसको संसद में उठा रहे हैं। कोई एक राजस्थान के एक दर्जन सांसद लोकसभा राज्यसभा में इसको उठा चुके हैं जी। और उसको बराबर परसू कर रहे हैं और एक बार में व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी से मिलके जिस मुद्दे को उनके सामने रख चुका हूँ। किरोड़ीलाल मीणा जी, आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं सर और जनता से जुड़े मुद्दे पर तो आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यह उम्मीद की जा सकती है कि जो बजट आ रहा है उसमें इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिले, 25 सांसद देने के बाद सर, जल संसाधन मंत्री देने के बाद, इतनी तो उम्मीद राजस्थान कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, पूरे सांसद दिए हैं और किस्मत से जल संसाधन मंत्री राजस्थान का है, लेकिन कुछ टेक्निकल टीएसी है जिसको पूरा तो राजस्थान सरकार को करना ही पड़ेगा। जैसे मध्य प्रदेश से MOU साइन करके इनको भिजवाना ही पड़ेगा जी। और एक फॉर्मेट जिससे सूचना मांगी है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए, वो सूचना अभी तक इन्होंने भेजी नहीं है जी। तो ये पूरी करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, केंद्र से बात करेंगे, खुद प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, सारे सांसद मिलेंगे और आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे, जन आंदोलन, जन जागृति पैदा करेंगे जनता में पूरे 13 जिलों में। सर मतलब मुझे इशारा ये मिल रहा है कि शायद अभी इस बजट में भी ये राहत नहीं मिल पाएगी। हमारे साथ जयपुर के कलेक्टर रहे और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जगरूप सिंह जी है। जगरूप सिंह, इस योजना को अगर नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर इस बजट में घोषित कर दिया जाएगा तो राजस्थान में जो ये योजना चलेगी उसकी गति किस तरीके से आगे बढ़ेगी और कितनी जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, क्योंकि अभी तो कागज कागज खेल रहे हैं सर। देखिए, मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में इस परियोजना का महत्व तो सभी राजस्थान के प्रभावित जिलों के, इसके अतिरिक्त भी राजस्थान की संपूर्ण जनता जानती है जी। कि ये कितनी महत्वपूर्ण परियोजना है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भले ही बड़ा राज्य हो पर जल संसाधन की दृष्टि से हमारे पास 1.1% जल है भारत की कुल जल राशि का, और इससे जो तकरीबन 24% तो क्षेत्र जो राजस्थान का और तकरीबन 42% जो आपने बताया, तकरीबन 3 करोड़ की आबादी प्रभावित होगी। ये बहुआयामी योजना है, इससे न केवल पेयजल की आपूर्ति होगी, सिंचाई भी इससे हो पाएगी। तकरीबन इससे 3-3.5 लाख हेक्टर 4 लाख हेक्टर के आसपास खेती में सिंचाई हो पाएगी और इस पेयजल की आपूर्ति भी होगी। जो जितने भी हमारे जो वाटर बॉडीज हैं उनको रिचार्ज करने से वाटर टेबल भी अप होगी, और इसके अलावा DMIC जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो जो बनेगा तो उसमें भी जैसे सस्टेनेबल अगर वाटर रिसोर्सेज रहेंगे तो वहाँ पे भी मैं समझता हूँ उद्योग आ पाएंगे। तो निवेश भी जो भारत सरकार की महती योजना है, राजस्थान सरकार भी स्टेक होल्डर है,
तो इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने से मैं समझता हूँ फंड्स की अवेलेबिलिटी अधिक हो पाएगी। और राष्ट्रीय परियोजना में अगर ऐसा क्षेत्र जिसमें एक से अधिक जिले हैं और जो बहुआयामी है जी, वो भी अगर कोई योजना क्वालिफाई नहीं करती तो इस पर देखना चाहिए। और हम तो मैं भी चूंकि अलवर जिले का हूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से विनीत करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि इसको तुरंत राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाना चाहिए। पांच साल हो गए हैं डीआईपीआर हुए, पांच साल हो गए हैं इस परियोजना को लेकर। 2017-18 के बजट में सबसे पहले संकल्पना की गई थी और ये माना गया था कि तकरीबन फेजिंग आउट से 10 साल के वक्फे में इसका कार्य पूरा हो जाएगा जी। और ऐसा नहीं है, राजस्थान सरकार ने 650 करोड़ की लागत से कोटा में लघु कार्य भी प्रारंभ किया है। अब इसको राष्ट्रीय परियोजना हुए बिना 40,000 करोड़ रुपए की लगभग ये परियोजना है तो उस पर राष्ट्रीय संसाधनों के बिना राजस्थान के संसाधनों से 60-40 के स्थान में अभी मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार से कुछ भी इसमें बजट का प्रावधान या आवंटन हुआ है। वो डिबेटेबल हो सकता है लेकिन राष्ट्रीय परियोजना के लिए सर्वथा मैं समझता हूँ शीघ्रता हो पाएगी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ सर, जब विधायक वोट मांगने जाते हैं तो भी इसका योजना का जिक्र कर लेते हैं, सांसद के चुनाव में वोट मांगने जाते हैं तो भी इसका जिक्र करने लग जाते हैं। जनता के हाथ कुछ नहीं आता है, नेता अपने वोट बटोर कर चले जाते हैं। पांच साल तो यही होते होते देख लिए सर, और अभी भी इसकी फिजिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन, सेंटर परियोजना बनेगी या नहीं बनेगी इसको लेकर क्वेश्चन। इस बजट में सिर्फ उम्मीदें कर रहे हैं, क्या होगा कोई नहीं जानता। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं, सबसे बड़ा लोकतंत्र का दुर्भाग्य यह है जो पक्ष में बैठते हैं उसी विषय को अलग तरह से, लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, राजनीतिक पार्टियां अलग तरह से उसको पुट करती हैं जी। और जब विपक्ष में बैठते हैं तो वही लोग अलग तरह से उसको पुट करते हैं। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार थी, तो जो 2017-18 में जब इस काम को शुरू कर दिया था तो 2018-19 में इसको स्वीकृति जारी होनी चाहिए थी। हमारे 13 जिला जो कोटा, 12 झालावाड़, सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर सहित ये सारे के सारे जिले हैं, इन लोगों ने, इन 13 जिलों ने भारतीय जनता पार्टी को 9 MP तो लोकसभा में दिए और 2 MP डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसा मजबूत आदमी इन्होंने राज्यसभा में दिया है। डॉक्टर आर के वर्मा जैसा बड़ा आदमी, जो सूझबूझ रखने वाला आदमी, वो भी राज्यसभा में भेजा है जी। अब ऐसे लोगों को हमारी वकालत करनी चाहिए वहां जाकर, ये कर क्या रहे हैं हमारे वहां वकालत कर, क्यों नहीं कर रहे ये लोग, इनको वकालत करनी चाहिए। राजस्थान की विधानसभा की बात करें तो विधायक को हमारी वकालत करने के लिए हम भेजते हैं, और लोकसभा की बात करें तो हमारे सांसद को हम हमारी वकालत करने के लिए भेजते हैं। 3 करोड़ की आबादी वाला क्षेत्र जहां दर दर भटक रहा है, मैं कहना चाहता हूं खास तौर से, अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा व्यापारी भी खुशहाल होगा, हमारा किसान खुशहाल होगा हमारा विद्यार्थी भी खुशहाल होगा, हमारा किसान खुशहाल होगा तो देश का हर नागरिक खुशहाल होगा। किसानों की बात हमको सुननी चाहिए और सुनकर के इस पर विचार करना चाहिए। ना ये भारतीय जनता पार्टी का इशू है, ना ये कांग्रेस पार्टी का है, ये इशू है तो देश के किसान का है, उस गरीब मजदूर का भी इशू है। इस पर सारे सांसदों को, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, देश भर के जिन लोगों जो चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, एक पटल पर आकर के इस विषय को एक जनहित का मुद्दा मानते हुए इस पर स्वीकृति जारी होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से इस चैनल के माध्यम से, कि राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत पर आप आशीर्वाद बरसाएं और 40,000 करोड़ की यह परियोजना है इसको स्वीकृति जारी करें। बार बार विषय आता है कि उन्होंने नहीं भिजवाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, आप प्रधानमंत्री जी एक कॉल करेंगे अपने आप वहां की मुख्यमंत्री जी स्वीकृति जारी करके दे देंगे, इसमें जरूरत ही नहीं है। मैंने बहुत नजदीकी से भारत सरकार में नौकरी भी की है, अब राजस्थान सरकार में विधायक का काम भी मुझे मिला है, जनता ने मुझे दिया है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं जो काम होने लायक होते हैं वो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में एक दिन में सारे काम हो सकते हैं, फाइल पटवारी से लेकर के और मुख्यमंत्री जी तक आ सकती है अगर देश के प्रधानमंत्री जी चाहें। नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि इस परियोजना के दम पर आगे कई चुनाव लड़ने इसलिए इसको किया ही नहीं जा रहा है। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो राजनीति से नहीं जोड़नी चाहिए। मैंने विधानसभा में भी इस बात को उठाया था कि पक्ष और विपक्ष में बैठने के बाद जो मानसिकता नेताओं की चेंज हो जाती है वो लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। सच को सच और ठीक है सर, वापस आपके पास आऊंगा। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामनारायण मीणा जी, सर उम्मीद करें केंद्र के इस बजट में जो मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र लिखा गया कि इसको नेशनल परियोजना का दर्जा दिया जाए, वो मांग पूरी होगी, कोई जानकारी तो होगी सर इस बारे में।
बारे में सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करूं, जब प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि ये हमारी महत्वपूर्ण योजना है, उसके बाद इधर की बात करना, उधर की बात करना, दिल्ली की बात करना, जयपुर की बात करना बेईमानी हो जाती है। प्रधानमंत्री का एक एक वर्डिंग्स हमारे देश का वर्डिंग्स है। और जब प्रधानमंत्री जी कह दिया यार ये कौन सा कागज है, कौन से टेक्निकल अप्रोच है, दिल्ली में बैठा जल संसाधन मंत्री कहता है राज्य सरकार कागज नहीं भेजती, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने जब मैं देवली उनेरा से विधायक था, मैंने खुद ने ब्रह्मणी नदी बिना किसी सर्वे के अधिकारी से मिलकर के तैयार की थी, उसका श्रेय बहुत लिया बाद में बीजेपी राज आ गया तो। आज वो योजना डप पड़ी है, मध्य प्रदेश का नाम लेते हैं, जबकि उस टाइम तो मध्य प्रदेश का लेना ही नहीं था, वो तो समय कम रह गया था, नहीं तो हम तो शिलान्यास करने जा रहे थे। आज कौन सा किसकी जरूरत है, इसके नीचे कौन सा मध्य प्रदेश आता है। जब काम चालू हो गया, नौने रामे 611 करोड़ का डैम बन रहा है, अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान के जल संसाधन मंत्री मालवीय जी, हम दोनों ने जाके निरीक्षण किया है, प्रारंभ मैंने किया था, उसका शुभारंभ हमने किया है, ये बात अलग है, हमने पत्थर नहीं लगाया लोगों की तरह। तो ये तो वही स्थिति हो गई कि 1974 में अणु विस्फोट तो किया इंदिरा जी ने, और श्रेय ले रहे हैं अटल जी वाला 1998 का। तो मैं तो इनसे अर्ज करना चाहता हूँ, डॉक्टर करोड़ी कहते हैं तो डॉक्टर करोड़ी के इलाके में मैं गया हूँ परसों, बुढ़ला जी के इलाके में गया हूँ, खारा पानी है। आप टोडा भी में चले जाओ, सारे नेता वहाँ से एमएलए रहे हैं, वहाँ आज भी लोगों के पाँव के घुटने से चला नहीं जाता है, खारा पानी है। जब हमारे आदमी बीमार होते जा रहे हैं, हम पीने का शुद्ध पानी नहीं पिला सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी किन की हमारी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि देश का प्रधानमंत्री जी 2018 में इस बात को कह गया, ये जो 40-60 का रेशो कहते हैं, मैं पहले चतुर्वेदी जी को भी अर्ज करना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री सड़क योजना चली थी तो 0 राज्य स्टेट्स गवर्नमेंट्स थी, आज ये 40-60 की बात करने लगे। तो मेरा तो अर्ज करना ये कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से चाहती क्या, वो बोले मध्य प्रदेश की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, क्या केंद्र सरकार दिवालिया होने जा रही देश को, आप संपत्तियां बेच रहे हो। किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ बने हुए, किरोड़ी लाल मीणा जी ये बात तो सच है सर, अगर दिल्ली कुछ चाहे तो फिर राज्य क्या ना करे, सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री ये चाह लेंगे कि हाँ इसे राष्ट्रीय परियोजना बनाना है, उस दिन सरकारों से एनओसी हो, बाकी चीजें हो, तो मिनटों में क्लियर होती हैं सर। अरे बिल्कुल सच है, आप जानते हो कि अगर ये 13 जिलों की खुशहाली की इच्छा नहीं होती, 13 जिलों को वैभूतिपूर्ण बनाने के लिए ही तो वसुंधरा जी ने ये स्कीम बनाई थी 13 जिलों की जी। इन्होंने 40-45 साल तक राज किया, राम नारायण जी बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं स्कीम बनाई, क्योंकि चिंता थी, वसुंधरा जी ने चिंता करके योजना भेजी, कुछ भी नहीं कहा दोनों पति पत्नी ने, तब 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 प्राइमरी स्टेज पर थी ये, और उस समय उन्होंने राशि भी नौनेरा के लिए सैंक्शन की थी। और अब जब दो फॉर्मेलिटीज इनको मात्र पूरी करनी है कि एमओयू करना है भारत मध्य प्रदेश सरकार से, और वो केंद्र को भेजना है, या आपका कहना सही हो सकता है, प्रधानमंत्री चाहें, प्रधानमंत्री क्यों नहीं चाहेंगे, प्रधानमंत्री की प्रबल इच्छा है, वसुंधरा जी ने जब प्रोजेक्ट बना के भेजा है तो इनको प्रयास करना चाहिए। इनको उसी समय मैंने पत्र लिखा था गहलोत साहब को, कमलनाथ जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, ये केवल राजनीति कर रहे हैं जी। इसको फुटबॉल बना दिया है जी। और कहीं प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्लियर कट घोषणा नहीं की सैंक्शन करने की, लेकिन हमारी प्रबल इच्छा है, ज्यादातर सांसदों की इच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, राज्य के बाकी के सांसद भी चाहते हैं कि ये महती योजना है, और करीबन 2,10,000 हेक्टेयर भूमि इससे इरीगेट होगी जी। और हमारा इलाका जहाँ बहुत फ्लोराइड है, लोगों को फ्लोरोसिस होने लग गया, ड्रिंकिंग वाटर की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, ये आप जानते हो बहुआयामी है जी। इरीगेशन जी, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ सर, हो सकता है मेरे पास ये जानकारी नहीं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर केंद्र इस बजट में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देती है, क्या उसके बाद भी राजस्थान को एनओसी लेनी पड़ेगी, या केंद्र का जल संसाधन मंत्रालय अपने आप दोनों राज्यों के बीच में मध्यस्थता करके एनओसी दिला देगा, काम आसान हो जाएगा? देखो आप जानते हैं कि कुछ फेडरल स्ट्रक्चर अपने देश में जी, तो स्टेट का एनओसी जरूरी है कि आप आज कोई मुकदमे की सीबीआई की जांच करते तो सीधा केंद्र नहीं कर सकता, राज्य सरकार की अनुशंसा चाहिए, तो राज्य सरकार का ये सहमति पत्र तो केंद्र को पहुंचे, मध्य प्रदेश वाला
जो शेयर है चंबल में वो पत्र पहुंचे तो आगे हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, हम मैं ही नहीं सारे एमपी बात करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि पूरी राजस्थान की जीवनदायी योजना है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जो केंद्र सरकार इनसे सूचनाएं मांग रहा है जी, जो सहमति मांग रहा है वो तो राज्य सरकार भेजे, उसमें क्या दिक्कत है? जी जवाब दीजिए सर, एमपी के साथ जो एनओसी क्लियर करनी है एनओसी क्लियर कीजिए सर, इस बजट में हम भी उम्मीद करें कम से कम। किसने कहा क्लियर करनी है? वो रही है आप देखिए, मध्य प्रदेश सरकार को अड़ंगा नहीं लगा डाल रही, इनको शायद गलत इन्फॉर्मेशन है। केवल इसको राष्ट्रीय परियोजना, इतने अहम परियोजना है, राष्ट्रीय परियोजना जिस दिन घोषित हो जाएगा स्टेट्स गौण हो जाएगी, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये जानबूझ करके कागज के उलझा करके अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे थोप रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं जिस प्रधानमंत्री ने योजना। रामनाथ जी बिल्कुल पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड आदमी है, चंबल उसमें चंबल में मध्य प्रदेश का शेयर है, उनकी एनओसी बना काम चलेगा नहीं, लिटिगेशन में चला जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक है सर, दोनों को मैं एक बार रोकना चाह रहा हूँ। जगरूप यादव जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? जगरूप जी, इसमें मेरा सोलंकी जी निवेदन इतना है कि जैसे चंबल का जो फ्लो एरिया है जितना मध्य प्रदेश में, 225 किलोमीटर के आसपास राजस्थान में भी है जी, और चूंकि ये अतिरिक्त जो डिस्चार्ज वाटर है खासतौर से वर्षा का जल है उसको लिफ्ट करके उसको चेक करके उस पर चेक डैम बना के चंबल और इसकी सहायक नदी है काली सिंध है पार्वती है और एक आदोर नदी है, उनका जो अतिरिक्त वर्षा का जल है उसको हमारे फ्लो एरिया में है उसमें, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की वाटर डिस्चार्ज को लेके कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे फ्लो एरिया में से वाटर उठाया जाएगा, तो वो तकनीकी कोई बात हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत सारगर्भित सवाल नहीं है जी। इसमें रही बात जैसे क्वेश्चनेयर की, तो वो संभवतः चलता रहता है पत्राचार, अब अबरबर से तो इनायत उसकी साख तो सिर्फ दुआ करती है, अब पत्राचार में मुझे पता नहीं किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है। सर मैं एक जानकारी आपको दे रहा हूं और ये राज्यसभा में दी गई जानकारी है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जरिए दी गई है। इसमें कहा गया है कि CWUCA सुझाव दे रही है कि या तो इस परियोजना को 75% भरोसेमंद मुनाफे के आधार पर संशोधित किया जाए, या राजस्थान अभी भी इस परियोजना को 50% भरोसेमंद मुनाफे के आधार पर बनाना चाहता है तो मध्य प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC करना होगा। जगरूप जी, मेरा निवेदन यह है कि ये इफ कंडीशंस और टर्म्स इसलिए है कि अगर मुनाफे में शेयर किसका कितना होगा इस पे अगर NOC लेना, तो वाटर के डिस्चार्ज का जहां तक सवाल है तो वो हमारे फ्लो एरिया में है जी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट में शेयरिंग या प्रोजेक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस पे किस सरकार से क्या संविदा करनी है, आपस में बायलेटरल इश्यू है या नहीं है, क्या उनकी कॉम्पेटेबिलिटी है, ये अलग प्रश्न है, लेकिन वाटर डिस्चार्ज का जहां तक सवाल है तो 225 किलोमीटर का फ्लो एरिया राजस्थान में है चंबल और इसकी सहायक नदियों का, उस पे ये पानी लिफ्ट किया जाएगा, उन्हीं पे बांध बनेंगे, उन्हीं से हम कैनाल से इन 11 जिलों में लेके जाएंगे, हमारे वाटर रिजर्वर भी भरेंगे, एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज को भी रिप्लेनिश करेंगे, DMIC जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान से आता है तो इसका सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य बदलेगा। अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से प्रोजेक्ट में वायबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट इसके दृष्टिगत कोई MOU होना हो तो हो सकता है, बाकी वैसे वाटर डिस्चार्ज से रिलेटेड कोई MOU इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ओम प्रकाश जोड़ला जी, आपको लग रहा है क्योंकि आप भी काफी जानकार हैं, सवाल यह है कि जैसे ही इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा मिलेगा क्या ये सारी बातें गौण हो जाएंगी, और राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा मिलने के लिए अभी भी वो कौन कौन से पैरामीटर जो बीच में अटके पड़े हैं, क्योंकि राजस्थान तो हर बजट में यही उम्मीद करता है कि इसे नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिल जाए, इस बार भी यही कर रहे हैं। मैं भारत की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं, सड़क बनाना सेकेंडरी होना चाहिए लेकिन किसान तक पानी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी मैंने देखा दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक 42,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बनाकर सड़क की तैयारी कर रहे हैं, अभी उसका शिलान्यास हो गया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं सबसे पहले किसान के पास पानी पहुंचे, और अभी यादव साहब ने कहा है कि जो मध्य प्रदेश से पानी बह करके राजस्थान में आ रहा है वो पानी अब वहां से यमुना के रास्ते वो बंगाल की खाड़ी तक चला जाता है, उसमें मध्य प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं है, कोई टेक्निकल इश्यू है तो उसकी बात कर लें, लेकिन जिस तरह से इस मैटर को केंद्र और राज्य के बीच अटका करके किसानों को नुकसान करना चाहते हैं मैं इसकी निंदा करता हूं, और साथ के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं, लेने वाला व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री लेना चाहता है पैसे, देने वाले घोषणा कर चुके हैं कि ये राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है,
तो फिर बीच में अड़ंगा क्यों लग रहा है? और अड़ंगा लग रहा है तो 9 MP लोकसभा के और 2 MP राज्यसभा के लोगों को जाकर बात करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी से, राजस्थान से जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं उनसे बात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जब किसानों में खुशहाली आएगी तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी, और जब परिवर्तन होगा तो अपने आप जिसको क्रेडिट लेना क्रेडिट ले ले, जिसको भी लेना है, चाहे भारत सरकार ले या राजस्थान सरकार ले। और जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, भारत सरकार पैसा खर्च करेगी तो भारत सरकार को क्रेडिट जाएगा, और राजस्थान किसान सरकार अगर किसानों के हित में पैसा खर्च करेगी तो राजस्थान सरकार को उसका क्रेडिट जाएगा। इसलिए इस बात का तो सवाल ही नहीं है जो पैसा खर्च करेगा। जब कहते हैं घी घालते हैं तो अंधेरे में भी दिखता है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ने, चाहे वसुंधरा सरकार की बात करें चाहे अशोक गहलोत सरकार की बात करें, दोनों सरकारों ने बार बार आपको निवेदन किया है। आप कहें तो पूरी राजस्थान की सरकार एक दिन पूरा का पूरा रास्ता जाम करके देश के प्रधानमंत्री जी को यह संदेश दे सकती है कि यह पूरे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, किसान पीड़ित है। वो तो खुद ही बोल कर गए हैं, राजस्थान में आकर खुद बोल कर गए, खुद बोल के गए। तो उनकी बातों को उनको याद दिलानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत बिजी रहते हैं, उनको प्रधानमंत्री जी को इन बातों को याद दिलाना चाहिए कि हम क्या बोल के आए थे उस समय, और राजस्थान का किसान आज चिंता कर रहा है। राजस्थान सरकार ने, किरोड़ी लाल मीणा जी तो बाकायदा उस सभा का हिस्सा थे। किरोड़ी लाल मीणा जी तो खुद इस विषय पे बहुत धीमे धीमे बोल रहे हैं, उन पर जवाब नहीं लग रहा, उनकी सरकार के खिलाफ कैसे बोले वो समझ में ही नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ किरोड़ी लाल मीणा जी जब भी कोई बात करते थे तो बहुत मजबूती से शेर की तरह झाड़ते थे, आज किसानों का मुद्दा आ रहा है क्यों छुपे वो? और मजबूती से रामनारायण जी का, यादव साहब की, हमारी बातों का जवाब दे। आपको हमने दो दो तीन तीन बार सांसद चुन करके भेजा है, इस बार हमने वोट दिया आपको, राज्यसभा में आपको भेजा, इसलिए भेजा है कि हमारी जाकर वकालत करें। आप किसानों की वकालत क्यों नहीं करते? आप लोकसभा में धरने पे क्यों नहीं बैठते? जोर तरीके से हमेशा मांग करते आए हैं, छोटे छोटे इशू पे आप राजस्थान में धरने पे बैठते। आप महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने लोकसभा में धरने पे बैठो और बैठ करके भूख हड़ताल पे बैठो। हम भी यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे, जितने दिन आप भूख हड़ताल पे बैठे उसके 5 दिन ज्यादा चाहे हमारी जान निकल जाए, किसानों के हित में हम काम करने का प्रयास करेंगे। आप इन मुद्दों पर और किसानों को ठीक है, एक लाइन में जगरूप जी क्या कहना चाह रहे हैं? आदरणीय किरोड़ी लाल जी कह रहे थे कि इसको फुटबॉल बना लिया, तो हम तो आग्रह करेंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से, वो इतने जनता के मुद्दों पे इतने जागरूक रहते हैं, हमेशा बेदार रहते हैं, लोगों को जगाते हैं, कि इस फुटबॉल को गोल में डालने का काइंडली प्रयास करें। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन लगातार इस पर बहस जारी है क्योंकि ये राजस्थान के 3 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ मामला है, 13 जिलों से जुड़ा हुआ मामला, और इस बार फिर राजस्थान उम्मीद कर रहा है कि जो केंद्र का बजट आए उसमें इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटे। बात करें कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, राष्ट्रीय परियोजना इसको बनाया जाए और ये घोषणा इसी बजट में कर दी जाए। क्या ये पूरा कैनाल पॉलिटिकल तरीके से इसलिए फंसा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका श्रेय जिसको जाएगा सरकार उसके पाले में आएगी? बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं, रामनारायण मीणा जी बने हुए हैं, ओम बिरला जी बने हुए हैं, जगरूप यादव जी बने हुए हैं, आशीष चतुर्वेदी बने हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी, सर पूरा राजस्थान साथ है, इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिला दीजिए, इसको पूरा करा दीजिए। वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। आशीष, सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री आए थे, आपको भी ध्यान होगा, 5/12/2018 उन्होंने इसको कहा था राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है। जरा मुझे बताइए, किसी स्टेट की 3 करोड़ आबादी जुड़ती हो जिस प्रोजेक्ट से 40% आबादी और लगभग इतना या मान लीजिए क्षेत्रफल के आधार पर जुड़ता हो, 33 में से 13 जिले जिससे लाभान्वित होते हो, मुझे बताइए इससे बड़ा और प्रोजेक्ट क्या हो सकता है जिसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाए? देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक इसके महत्व की बात है तो यहाँ पे जो पूरा पैनल बैठा हुआ है वो सब इसको स्वीकार कर रहे हैं कि ये राजस्थान के लिए और देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इस पर एक व्यापक रूप से सहमति है। जी देखिए, मैं रामनारायण जी को भी सुन रहा था, बहुत वरिष्ठ विधायक हैं,
आप देखिए, पता नहीं कौन से राजनीतिक कारण है, अन्यथा वो ऐसे विधायक है जिन्होंने 2 से 3 जिलों का प्रतिनिधित्व किया है। बूंदी जिले में वो रहे हैं, कोटा में रहे हैं, टोंक में रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो शायद सचिन पायलट जी के गुट में भी नहीं आते, मुख्यमंत्री जी गुट में भी नहीं आते हैं, अदरवाइज वो एक सीएम कैंडिडेट हैं अपने आप में एक बहुत ठीक है। तो रामनारायण जी को ये भी बताना चाहिए कि 55 साल जब सेंटर गवर्नमेंट रही, आप देखिए तो वो पीने की पानी की बात कर रहे थे, नागौर में फ्लोराइड पानी की समस्या। मैं इसी परियोजना पर आ रहा हूँ, आप देखिए वो पानी के पीने के पानी की बात कर रहे थे, आप देखिए कि भारत सरकार ने एक लक्ष्य लिया कि हम जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे। मैं वापस आपको मेरे मुद्दे पर लेकर आऊंगा सर, मुझे बताइए इस प्रोजेक्ट पर आ रहा हूं। आप देखिए कि वो क्यों नहीं दिया जा रहा, आप देखिए उसका जो सेंटर ने 10,000 करोड़ रुपए बजट दिया है, वो सर ये भी खर्च नहीं कर पा रही राजस्थान सरकार। आप सर मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए बाकी परियोजनाओं पर बात ही नहीं कर रहा मैं, और इस बजट पर उम्मीद करूं या ना करूं? नहीं देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक बात है, आपने भी अभी पॉइंट बताया कि राज्यसभा में जब एक प्रश्न किया, तो मुझे बताइए कि क्या किसी सरकार से एमओयू साइन करना, वहाँ की सहमति लेना, क्या इतना डिफिकल्ट टास्क है क्या? मुख्यमंत्री जी आए दिन प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते रहते हैं, मुख्यमंत्री जी को थोड़ा इतना भी करना चाहिए। और ओम प्रकाश हुड्डा जी धरने देने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है आप मुख्यमंत्री जी को कन्विंस कीजिए कि वो जाकर के अपना एक प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश में बैठें, भेजें और एमओयू तो साइन करें। आप देखिए जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो टेक्निकल हिचेज आ रही हैं, अगर आप उनको दूर नहीं करेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी किस बेसिस पे बात कर पाएंगे? मुझे लगता है ये पहल कर देता हूं सर, राज्यसभा के अंदर और भी बहुत कुछ कहा गया है। रामकुमार वर्मा जी ने सवाल पूछा था, सांसद हैं, उसके जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि राज्य का इशू है जल, इसलिए सिंचाई और पेयजल का विकास संबंधी राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। इस प्रकार सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के प्लानिंग, निष्पादन, संचालन और रखरखाव राज्यों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। ये तो जनता के साथ ये बात हो गई कि आप चुनाव से पहले आके कहेंगे कि राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनना चाहिए और बाद में कहेंगे कि स्टेट इशू है। नहीं नहीं देखिए, ये जो आप बता रहे हैं पूरा प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जब 13 जिलों की बात कर रहे हैं आप, चाहे झालावाड़ की बात कर लें, कोटा की कर लें, 12 की कर लें, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, और वाकई में राजस्थान में वाटर की स्केयर सिटी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री को जो भी इसमें तकनीकी समस्याएं आ रही है उसका समाधान करना चाहिए। वो आए दिन दिल्ली भी जाते हैं। राष्ट्रीय परियोजना बन जाएगी तो समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। आप मुझे बताइए विजेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी आए दिन पत्र लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार प्रधानमंत्री जी इसको लेकर के टाइम लिया है, कितनी बार वो प्रतिनिधिमंडल लेके गए राजस्थान का, वो ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर के क्यों नहीं जाते हैं? आप देखिए हमारा तो ये सर आपके लिए कहा जाता है, जिस मुद्दे को आप अपने हाथ में ले लें अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। ये मुद्दा भी आपसे जुड़ा है सर, आपने कई बार इस मुद्दे की मांग भी की और पुरजोर कोशिश भी की है। ठीक है, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिला दीजिए सर, समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो इसी बजट में। देखो फुटबॉल है तो गोल में डाल, मेरा बिल्कुल मन है किसी भी दल का हो, 13 जिलों की जनता, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो। इसमें 2-3 चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी 3 सभाएं कर गए थे, ये प्रोजेक्ट जब सबमिट हुआ था केंद्र को, तब एक जयपुर में, एक दौसा में, एक अजमेर में, उस समय उन्होंने जिक्र जरूर किया था योजना का, लेकिन ये नहीं कहा था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी के मुँह से ये सुनना चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर रहे हैं। लेकिन इसमें 2 कमी है ब्रजेंद्र जी, जो मैं आपको फरमा रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं है इस समय यहाँ पर। उसमें एक फॉर्मेट है जिसमें फॉर्मेलिटी करके राज्य को भेजना है, और दूसरा मध्य प्रदेश सरकार का, हालांकि जगरूप स्वरूप जी कह रहे हैं कि ये वो पानी है जो बरसात के समय बहकर बेकार जाता है कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक, उसको अपन यूज करना चाहते हैं, लेकिन उस पानी में भी मध्य प्रदेश का शेयर है, उसमें सहमति लेने में राज्य सरकार को दिक्कत क्या है, मेरे को समझ से बाहर है। आप जानते हो कोई सीबीआई की जांच भी होती है, अब अलवर कांड में सीबीआई की जांच हुई है, तो बिना राज्य सरकार की रिकमेंडेशन के केंद्र सरकार कोई दखल नहीं डाल सकती। वैसी एक टेक्निकल प्रॉब्लम इस मामले में है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि वो मध्य प्रदेश के सरकार से एमओयू करें। इसमें 1 कमी और है, ये अलवर से जगरूप सब जी बोल रहे हैं, मैं सवाई माधोपुर दौसा करौली की तरफ से बोल रहा हूँ, हमारे
ज़्यादातर डैम जो बड़े बड़े हैं उसमें पानी डाला नहीं जा रहा, उनको शामिल नहीं किया गया है। केवल दौसा जिले में एक मोरेल डैम शामिल किया गया है, बाकी सारे जो डैम हैं वो इस योजना में शामिल नहीं किए गए हैं। तो मैंने इससे तो आगे बढ़ के संसद में उठाया है कि जितने भी बड़े डैम या छोटे तालाब रह गए उनको भी इसमें जोड़ा जाए और इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। राष्ट्रीय परियोजना से पहले अब हमारी तो अब ये मांग, और मैं इस पर आंदोलन करने वाला हूँ कि सवाई माधोपुर दौसा करौली यहाँ तक कि अलवर भरतपुर में जो बड़े बड़े डैम और तालाब रह गए उनको योजना में रिवाइज करके राजस्थान की सरकार भेजे, गहलोत साहब भेजें। गहलोत साहब को मैं 4-5 पत्र भी लिख चुका हूँ लेकिन वो दोबारा रिवाइज सर्वे करवा नहीं रहे, इसलिए उसका रिवाइज सर्वे करके सारे डैम ताकि रिचार्ज हो सके और चप्पे चप्पे पर पानी पहुंच सके, ये बहुत जरूरी है। मेरे को इस बात का पक्का भरोसा है कि जब राजस्थान की सरकार सारी फॉर्मेलिटी करके भेज देगी तो केंद्र निश्चित रूप से, विकासवादी दिमाग है प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, वो इसको स्वीकृत करेंगे। ठीक है, रामनारायण जी जवाब दीजिए सर अपनी तरफ से, तो कागजों में पूरा काम कीजिए, बाकी कागजी काम हो जाएगा। हम तो उम्मीद लगा रहे थे कि आपस में बैठकर सब इसका समाधान निकालेंगे और इस बजट में हम ये उम्मीद कर पाएंगे कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिल जाए। अभी बैठने को तैयार है डॉक्टर करोड़ी, हमसे जब कहेगा हम इस पैनल वाले सारे सजेशन के साथ जाने को तैयार है, कहेगा। लेकिन आप देखिए ये प्रोजेक्ट क्यों अटका। ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, ऐसे 20 साल पहले से चल रहा है। ये इसलिए अटका कि उसमें बीजेपी की पिछली सरकार ने धौलपुर को जोड़ने के लिए सारी ताकत लगा दी, जबकि धौलपुर में चंबल का पानी लिफ्ट करके जितना चाहो उतना चंबल में पानी है। खैर जो भी हो गया, करोड़ीलाल जी ने कहा ये सही है, ये जहां जहां चुनाव लड़े हैं उन जिलों में पीने का पानी भी नहीं है और ये जल्दी होना चाहिए, तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इनका क्षेत्र का जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है पूरी राजस्थान की, हम सब लोगों की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, जो प्रधानमंत्री जी कह गए ये चीज की जा सकती है। और राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद जल संसाधन मंत्री है, वो देश के जल संसाधन मंत्री दोनों स्टेट के कोई दिक्कत है उसको बैठ करके सोल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको लंबा नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि ये काम तो राजस्थान के जल संसाधन मंत्री और मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री के बीच का है, वो कम से कम एक एनओसी की जरूरत नहीं है। पहली बात तो बिल्कुल जगरूप जी ने बिल्कुल सही कहा, आप भी नियम जानते हो, किताबें ढूंढ लीजिए, जो कानून बना हुआ है देख लीजिए, लेकिन फिर भी आप केंद्रीय जो जल संसाधन मंत्री है वो बैठ करके दोनों को बैठ करके जब नेशनल प्रोजेक्ट घोषित हो जाएगा उसकी जिम्मेदारी आ जाएगी। ये मध्य प्रदेश ने तो हमारे यहाँ गांधी सागर में भी डैम बना लिए भीतर, वो उनसे कोई प्रश्न नहीं रहा, और यहाँ हम आगे होकर के मध्य प्रदेश का पक्ष ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट डिले हो जाए। तो ये डिले नहीं करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी नहीं करना चाहिए, और इसमें पूरा का पूरी राशि भारत सरकार को देना चाहिए 40,000। फिर भी राज्य सरकार ने करोड़ रुपया खर्च कर दिया है, नौनेरा डैम में करीब 300 करोड़ रुपये का काम हो चुका है और 210 करोड़ रुपये का पेमेंट हो चुका है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से काम करे, शायद ये किसी को पता नहीं है, मेरे खुद के इलाके में आता है नौनेरा डैम और हम उसमें दत्तचित है, राज्य सरकार दत्तचित है और जल संसाधन मंत्री का 4 दिन पहले हम साथ पूरा करके आए हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सहयोग नहीं मिल रहा, इसलिए उसको डिले हो रहा है और सारा वो मैप बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, अब इनको ये पता ही नहीं है शायद। लेकिन अब उसमें ठीक है सर, वापस आना, जगरूप यादव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर वो भी कहिए। और इसी जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट आगे चल रहा है सर, ये तो दशकों तक पूरा नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सोलंकी जी, राज्य सरकार के अपने सीमित संसाधनों से 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत चरितार्थ होगी। राज्य सरकार के सीमित संसाधन है, आप देख सकते हैं कि जो बजट आउटले है तकरीबन 25 से 30 लाख करोड़ का भारत सरकार का एनुअल आउटले होता है, राजस्थान सरकार का तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास होता है, उसमें भी जितने भी जन आकांक्षाओं के मुद्दे हैं सभी की फंडिंग होती है, सभी की बजटिंग होती है, तो उसके हिसाब से एक मुश्त राशि निकालना राज्य सरकार के संसाधनों से मैं समझता हूँ संभव नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें डॉक्टर साहब कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे इसमें ऑलरेडी प्रोजेक्ट में जितनी वाटर बॉडीज हैं, मतलब जैसे कोई जलाशय है, तालाब है, कोई बड़ा बांध है, छोटे बांध हैं, इनको भरने की भी इसमें प्रोजेक्ट में लिंकेज हैं। हो सकता है कुछ जगह रह गई हों, डॉक्टर किरोड़ी जी जैसे जम्वा रामगढ़ के बांध के लिए भी आंदोलन करते रहते हैं और कई बार इन्होंने सार्थक रूप से उस पर धरने वगैरह भी दिए हैं,
उस मतलब वो भी वाटर बॉडी जो सने सने जब उसमें जल नहीं हो पाता, अब आजकल क्या कि जल की जो सभी जगह स्थानीय रूप से जैसे उस पर एनीकट या तालाब बना लिए गए, खडीन बना लिए गए, तो एक जागरूकता पैदा हुई है, उसके चलते उसका बहाव क्षेत्र में कुछ अतिक्रमण की समस्या भी डॉक्टर साहब बताते रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जैसे ऐसी वाटर बॉडीज हैं जो पेरेनियल स्रोत के रूप में काम हो सकती हैं, जो वाटर टेबल को भी रिचार्ज करेंगी और उससे कृषि का न केवल कनाल प्रोजेक्ट से बाकी ओवरऑल भी दृश्य अच्छा रहेगा। तो राजस्थान के सरकार के सीमित संसाधनों से मैं समझता हूँ इसमें इतना नहीं हो सकता। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे वो बात बता दीजिए कि जिस तरीके से आंकड़े हम लगातार दे रहे हैं कि 3 करोड़ के आसपास की आबादी लाभान्वित होंगी, 13 जिले लाभान्वित होंगे, एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के लिए सब काफी है या ये भी कम पड़ता है? नहीं, मैं ये पर्याप्त है। और अगर इतनी जिसमें सीधे सीधे 13 जिले और इतनी बड़ी बहुसंख्यक जनसंख्या, आप देखिए पूरे पश्चिमी राजस्थान का परिदृश्य बदला राजस्थान कैनाल से। राजस्थान कैनाल से पहले वो इलाका सरसब्ज नहीं था। मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आएगा तो इन 13 जिलों का कायाकल्प होगा और इसकी राजनीतिक और सामाजिक जो अभी परिस्थितियाँ हैं, जो स्थितियाँ हैं, उससे ये उभर के ये मैं समझता हूँ देश की जीडीपी में भी बहुत भारी कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो राजस्थान की सियासत को 360 डिग्री टर्न कर सकता है, क्योंकि 13 जिले सर, 3 करोड़ आबादी, क्या ये एक बड़ी वजह तो नहीं कि इस प्रोग्राम इस पूरे प्रोजेक्ट की पेंडेंसी में कि इसका क्रेडिट किसको जाए, बस इस चक्कर में फंसा हुआ है? मैं सोलंकी जी ये कहना चाहता हूँ क्रेडिट चाहे कुछ भी जाए लेकिन जनता नहीं पिसनी चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा है कि इसमें इतने भारी इन जिलों में, ईस्टर्न राजस्थान के इन जिलों में कोई और भी वाटर बॉडी भी नहीं है, लेकिन सर, कोई स्रोत भी नहीं है, कोई नद जल नहीं है, ओम प्रकाश चोटला जी, कोई नद जल नहीं है, तो ऐसे पेयजल के भी लाले पड़े हुए हैं। तो अगर ये देर सवेर अगर इसी गति से चलता, सीमित जो डॉक्टर साहब कह रहे थे उस बात का मैं कहना चाहूंगा, जो जल स्रोत जिन पर रिप्लेनिश करने की बात है या उनसे पानी इस प्रोजेक्ट से देने की बात है, वो स्टेट बजट से फिर भी हो सकता है लिंकेज, लेकिन एक राष्ट्रीय परियोजना के तहत जो मेजर इसका जो आउटले है वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने पर 90% उसका फंडिंग है रिसोर्सेज का केंद्र सरकार जी, इसको लेकर तो सर एक बड़ा अभियान चलाइए इस बजट में। पहले तो ये उम्मीद कीजिए कि इसी बजट के अंदर इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिले, जितनों का समर्थन चाहिए उसको जुटाइए ना सर, मुझे लग रहा है इस पे तो पूरा राजस्थान साथ खड़ा होगा। मैं आग्रह करना चाहता हूँ खास तौर से, सबसे पहले तो ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो और ये पूरा का पूरा कार्य क्षेत्र भारत सरकार के अधीन आता है, उसमें किसी भी राज्य सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है कि वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते समय उसको राज्य सरकार से पूछना पड़े, नंबर एक। नंबर दो, जो चंबल नदी पर हम लोग डैम बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ से पानी को लिफ्ट करके बांधों में डालकर किसान के घर तक, किस खेत तक, खलियान तक पहुँचाना चाहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मध्य प्रदेश सरकार की। और मध्य प्रदेश सरकार की जहाँ तक बात आती है तो मध्य प्रदेश सरकार की भी राजस्थान के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति, चाहे वसुंधरा जी का पुराना समय वहाँ रहा हो, चाहे वहाँ का जन्मस्थली रही हो, मध्य प्रदेश की सारी जनता, पूरी सरकार राजस्थान सरकार के साथ है। लेकिन विषय ये उठता है कि जो बहुत सारी चीजें इसके फायदे देखने वाली बात है, चाहे कोई सी भी पार्टी बनाए, कोई सी भी सरकार बनाए, जो सरकार बनाएगी उसको क्रेडिट मिलेगा, उसको वोट मिलेगा। सम्मानी किरोड़लाल मीणा जी 1980 में जब वे चुनाव लड़ने पहली बार आए थे महुआ में, तब से चंबल का पानी महुआ में लाने की बात कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि उनकी उम्र अब 70 साल हो गई, वो बूढ़े हो चुके हैं, अब हम भी कहीं दुख इस बात का, कहीं हम भी बूढ़े हो जाएं और चंबल का पानी दौसा जिले के, अलवर जिले के लोगों को नहीं लेकर के आए। तो हम सबको एक समग्र प्रयास करने की आवश्यकता है। सम्मान्य किरणलाल मीणा जी भी आंदोलन समय समय पर करते हैं, जनहित के मुद्दे को उठाते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है, इस पर हम सबको मिलकर के एक साथ काम होना चाहिए। आने वाले विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करता हूं, बार बार ये कहते हैं एक साथ होकर के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सारे निर्दलीय, बसपा और दूसरी आरएलपी, सारी पार्टियों को मिलकर के पूरे राजस्थान के लोगों को हस्ताक्षर अभियान चलाकर विधायकों को देश के प्रधानमंत्री जी के साथ बात करनी चाहिए, उनको पत्र लिखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब 30 लाख करोड़ का बजट भारत सरकार का है और मात्र 2 लाख करोड़ का बजट राजस्थान सरकार का है, अब भारत सरकार कहती है 40% पैसे दे दो, राजस्थान सरकार अभी पैसे नहीं दे सकती, राजस्थान सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है, और बहुत सारे इश्यू होते हैं, कॉलेज खोलना, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना, महिला कॉलेज खोलना, अस्पताल बनाना, ये सारे पैसे राजस्थान सरकार अपने खर्च करती है, स्टेट हाईवेज बनाना, छोटी छोटी चीजें करना,
तो मैं कहना चाहता हूं तो सर, इसमें कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए। हम यही कर रहे हैं, हम पहला तो यही सोच रहे हैं कि इस बजट में इसकी घोषणा हो, तो पहला प्रयास तो यही हो। इसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। किरोड़ी लाल मीणा जी, सर क्या एक और कोशिश की जा सकती है, क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं कि नेशनल प्रोजेक्ट इसको इस बजट में घोषित करें या नहीं करें। सर आपके पास तो होगी, अगर नहीं करें तो क्या एक बार फिर से पूरा राजस्थान पुरजोर तरीके से दबाव बना सकता है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट किसी बजट में घोषित कीजिए, बाकी फॉर्मेलिटी करते रहेंगे। नेशनल प्रोजेक्ट घोषित होना चाहिए जी, मैं ही नहीं सारे चाहते हैं। और नेशनल प्रोजेक्ट होने के लिए अपन को, मैं भी ये जानता हूँ कि राजस्थान सरकार के पास इतने फाइनेंसेज नहीं है कि ये इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। लेकिन बार बार जिस बात को केंद्र सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री जी को उस फॉर्मेलिटीज को पूरा करना चाहिए। एक अपील मैं आपके चैनल के लिए जरूर साथ में जरूर करना चाहूँगा जी, कि 13 जिलों से जुड़े हुए जितने विधायक और सांसद हैं उनको साथ लेके मुख्यमंत्री जी एक बार प्रधानमंत्री जी से मिलें। प्रधानमंत्री जी उनको वैसे ही समय दे देंगे जी, मैं इसमें बीच में मीडिएटर हो सकता हूँ। और अगर मुख्यमंत्री राजस्थान का मुखिया, इन संबंधित क्षेत्रों के करीबन 65 विधायक से भी ज़्यादा विधायक पड़ते हैं, 58 विधानसभा क्षेत्र इसमें कवर होते हैं, 10 इसमें सांसद हैं, सबको लेके मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए। तो एक दबाव बनेगा राजस्थान का मुखिया जब इस बात को कहेगा, और विषम परिस्थितियों को वैसे तो प्रधानमंत्री जी जानते ही होंगे, लेकिन ये रखेंगे तो इसका एक असर पड़ेगा। और हम भी संसद में के जरिए इसको उठाते रहते हैं जी, लेकिन संसद और विधानसभा में उठाना एक दूसरी बात है, और उसको एक जनता का मोमेंट बनाना जी एक दूसरी बात है। मुख्यमंत्री जी खुद चलकर प्रधानमंत्री से मिलेंगे और हमारे जैसों को भी साथ ले चलेंगे, तो निश्चित रूप से ये जनता का मोमेंट बन जाएगा और वो ध्यान देंगे। ठीक है, रामनारायण मीणा जी, भरोसा है कि चुनाव आता है। रामनारायण मीणा जी, किरोड़ी लाल मीणा जी जो कह रहे हैं वो आपने भी सुना होगा सर, कीजिए, पूरा राजस्थान साथ खड़ा है। अगर दिल्ली जाना पड़ा तो दिल्ली जाएंगे सब। किरोड़ी लाल मीणा जी तो मध्यस्थता के लिए तैयार है। नहीं, डॉक्टर साहब को पता है शायद कि एक दफा मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से बात भी की और कितनी दफा अर्ज कर दिया। प्रधानमंत्री जी के कानों में तेल ही नहीं डलवा, वो उसके रुई और लगी हुई है, वो इस चीज को कहते कहते हैं उसका श्रेय लेने की कोशिशों में तो कमी नहीं होनी चाहिए। रामनारायण मीणा जी, अगर 3 करोड़ की आबादी से जुड़ा मामला है तो इसलिए मुद्दे को थोड़ी ना छोड़ा जा सकता है कि कोई सुन नहीं रहा, बार बार दरवाजा खटखटाना चाहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये मूवमेंट तैयार किया जा सकता है इस बजट से पहले कि जितने विधायक जितने सांसद सबको एकजुट करके दिल्ली जाया जाए, प्रधानमंत्री को कहा जाए कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कीजिए। किरोड़ी लाल मीणा जी मध्यस्थता के लिए तैयार है? नहीं, वो हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मन में क्या है ये बात सर, वो उन पर छोड़िए ना, मेहनत तो करेंगे ना, कर्म तो प्रधान होता है। वो तो कह देंगे मैं तो देश के की आर्थिक स्थिति कमजोर, रेल की पटरियां बेच रहा हूँ, एयरपोर्ट बेच दिया, बीपी सेल बेच दिया, जो 156 जो इंस्टीट्यूशंस बनाए थे इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने, उनमें से मैंने 40 बेच दिए, ये कह के टाल देंगे। लेकिन हमारे सांसद वो भी दिखाएगा, लेकिन एक कोशिश तो कीजिए ओम प्रकाश जोड़ला जी, ये कोशिश तो बजट से पहले हो सकती है सर। एक डेलीगेशन जो ना इस पार्टी का ना उस पार्टी का, जो राजस्थान का डेलीगेशन हो वो जाकर मिले। सोलंकी जी, मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और कोशिश हर वक्त हमेशा शिखर तक ले जाती है। जो काम करने की ललक है व्यक्ति को, वो शिखर तक ले जाती है, और शिखर तक वही पहुंचता है जिसके इरादे बुलंद होते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जिस तरह से मोदी जी आए थे और मोदी जी ने दौसा की सभा में 5 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय परियोजना का महत्व बताते हुए पानी पहुंचाने की बात कही थी, सम्मानी किरोड़लाल मीणा जी ने भी उसके बाद उसी आधार पर वोट मांगे थे दौसा जिले में, और इनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ था उस जिस बूथ पे मोदी जी आए थे, उस बूथ पे भी इनकी पार्टी हारी थी। तो ये इनको जवाब देना चाहिए कि ये जाकर वहां बात करें देश के प्रधानमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी ने लगातार तैयार है सर, प्रयास किया है जी, लोकसभा में मुद्दा उठाना कोई बात नहीं होती,
लोकसभा में आपका अधिकार है मुद्दा उठाना। इस बजट से पहले आपको मिलकर छोड़ना जी चाहिए। सर पॉलिटिकली तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। एमपी जो है तो 13 जिले में छोड़ना जी क्या चीज क्यों नहीं। सर मैं तो पॉलिटिकली बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं ये राजस्थान का मुद्दा है। मैं तो ये कहना छोड़ दीजिए पार्टी वासी सब एक बार खड़े होकर चले जाएं। राजस्थान का तो सारा विधायक एकजुट है। 9 एमपी जो 13 जिले में है और 2 एमपी राज्यसभा के, क्या इन्होंने एक भी बार बैठक करके देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की बात आज तक कही है क्या? उसका भी जवाब दे। क्यों मत नाश्ता पूड़ी और समोसा खाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में भेज दिया हम लोगों ने? राजस्थान की जनता 13 जिलों के जवाब मांगती है लोगों से जो हो गया काम करें और इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराएं। प्रकाश जोड़ला जी आपने कहा कि जो काम करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, जो कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती। सर जो बीत गया सो बात गई, मैं तो भविष्य की बात कर रहा हूं। एक बार सब इकट्ठे हो जाइए, इस बजट से पहले जाकर मिलिए, दबाव डालिए कि भाई इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कीजिए। यहां कोई पार्टी नहीं आ रही है या राजस्थान उठ खड़ा है, इसमें क्या समस्या है? सर आनी चाहिए, सब लोगों को एक साथ होना चाहिए। और इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार भी साथ में रहेगी, राजस्थान की जनता भी साथ में रहेगी और भारत सरकार को यह परियोजना घोषित करनी पड़ेगी एक ना एक दिन। लेकिन जब समय निकल जाएगा तब हमारा राजस्थान बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं जब आर्थिक विषमताएं हैं वो अपराध को सबसे बड़ी जड़ है। अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो अपराध ठीक है। मेरे पास वक्त की कमी है, आज हमारे 10 सेकंड में जगरूप यादव जी, हमारे बच्चे लोगों को जगरूप यादव जी, अगर एक बार पार्टी छोड़ दी जाए, राजनीति छोड़ दी जाए और सब एकजुट हो जाए तो एक उम्मीद तो जग सकती है। 10 सेकंड में सर। निश्चित रूप से सोलंकी जी, ये बिना इफ एंड बट्स के राष्ट्रीय परियोजना घोषित होनी चाहिए। ये राजस्थान के मुस्तकबिल से, खास तौर से न केवल राजस्थान के इन 13 जिलों की जनता से बल्कि भारत सरकार के भी जितने प्रोजेक्ट हैं, जितनी भी आर्थिक नीतियां परिनीतियां, इसमें औद्योगिक क्षेत्र भी आता है, नीमराणा भी आता है, बहरोड भी आता है, भिवाड़ी भी आता है और अलवर भी आता है। इन जिलों में भी बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर समेत, ये अत्यंत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक जोन की भी जो सस्टेनेबल वाटर की अगर सप्लाई होगी तो मैं समझता हूँ कि जीडीपी में ये पूरा क्षेत्र जो अभी तक नेग्लेक्टेड है केवल जल संसाधन के अभाव की वजह से, और इसमें जल संसाधन की खासतौर से पेयजल की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। तो ये जल नल योजना है उसमें भी जब जल ही नहीं होगा तो कहाँ नल लगाएंगे? तो ये भी सोचना चाहिए। संगठन भी उठकर जा सकता है सर, पूरा संगठन उठकर चला जाए अपने विधायकों को लेकर कि साहब ये 13 जिले इनको पूरा कीजिए, इनकी मांगों को पूरा कीजिए। देखिए विजेंद्र जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एमपी बैठे हुए हैं किरोड़ी लाल जी, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और आपने रिएक्शन देखा रामनारायण मीणा जी के, जो कि कांग्रेस के एमएलए और ओम प्रकाश हुड्डा जी की सरकार को समर्थन कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना आपको, विजेंद्र जी आप इनका रिएक्शन देखिए ना, ये तैयारी नहीं है जाने के लिए। आप देखिए ये जाने के लिए तैयारी नहीं है, सांसदों को लेकर नहीं जा सकता, ये जाने के लिए तैयारी नहीं है। अभी चलिए तो राजस्थान की सरकार, ऐसे असत्य कथन मत करिए आप। हम तो अभी तैयार है आपके पीछे चले तो सही, आपकी प्रधानमंत्री बात ही नहीं सुनता, आपको मिलने का टाइम नहीं देते। रामनारायण जी अभी किरोड़ी जी ने मध्यस्थता का प्रस्ताव तैयार है, उसमें अभी तक हम तैयार है। प्रस्ताव क्या होता है, हम तो तैयार है। आप पहले अपने मुख्यमंत्री जी को समझाइए। रामनारायण जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरोड़ी लाल मीणा जी आपका बहुत शुक्रिया, रामनारायण जी आपका शुक्रिया, जगरूप जी आपका शुक्रिया, हुड्डा जी आपका शुक्रिया और आशीष जी आपका शुक्रिया। दो वरिष्ठतम नेता किरोड़ी लाल मीणा जी और रामनारायण मीणा जी राजस्थान की सियासत में हमारे साथ जुड़े थे। सर हाथ जोड़कर निवेदन है, एक साथ आइए इस प्रोजेक्ट पर, केंद्र पर दबाव बनाइए और कोशिश कीजिए इस बजट से पहले एक बड़ा डेलीगेशन जाकर मिले और कहे कि इसी बजट के अंदर इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कीजिए। ये राजस्थान की 3 करोड़ आबादी का मुद्दा है। नमस्कार।